दोस्तों नमस्कार। किसी भी दुकान को चलाने का आसान सा तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। बिजनेस आपका कोई सा भी हो, मगर जिस बिजनेस में कस्टमर का रिलेशन सीधे मालिक से हो रहा हो, किसी प्रोडक्ट की खरीद फरोख्त हो रही हो, तो उस ग्राहक को आप बार बार अपनी दुकान पर कैसे बुलाओगे। हमारी वीडियोज़ देखकर बहुत सारे व्यूवर्स ने शॉप खोली है, तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो उनके काम आए। इन फ्यूचर उनको एक ऐसा स्टेबल होना है, अपने ग्राहक को इतना बढ़ाना है कि एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को खींच करके लाए। बिजनेस आपका कोई सा भी हो, ये वीडियो सभी के लिए है। 10 पॉइंट बिजनेस बढ़ाने के, ग्राहक बढ़ाने के, दुकान चलाने के आपको ऐसे बताने वाला हूं कि पूरे YouTube चैनल को आप छान लेना, कहीं नहीं मिलने वाले। अपने एक्सपीरियंस से ये 10 पॉइंट मैंने बनाए हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों बड़े दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू ऐसी मुलाकात हो रही है, वरना वीडियोस पर वीडियोस रिव्यूज के आपके लिए मैं ला रहा हूं, मगर उनमें भी बहुत सारे टिप्स होते हैं। आइए आज मैं आपको 10 पॉइंट गिनाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी बिजनेस को चलाने का आसान सा तरीका। पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बाहर से दुकान आपकी बेस्ट दिखनी चाहिए, सुंदर अच्छी दिखनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो दुकान की मोढ़ी है, जहाँ पर आप लोग यदि गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो जो कपड़े टांगते हैं, जो डमीज लगाते हैं, वे आपके बेस्ट कलेक्शन में से होने चाहिए, और ये डमीज और डिजाइन्स रोजाना आपको चेंज करने हैं। यहाँ पर दुकानदार बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो एक बार लगा दिया गंदा होने के डर से, उनको चेंज नहीं करते, और यहाँ से कस्टमर टूटना शुरू हो जाता है। जब लुकिंग चेंज होगी आपकी, तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा और आपकी दुकान के ऊपर चढ़ करके आएगा। दूसरा पॉइंट, ग्राहक जब आपकी दुकान के ऊपर चढ़ जाए, तो ग्राहक जो माल मांगता है, उस माल को दिखाने में आप देर बिल्कुल ना करें। माल कुछ इस तरीके से अपनी दुकान के अंदर सेटिंग करें कि जो ग्राहक ने मांगा, फटाक देसी आप उस जगह पर गए और प्रोडक्ट निकाला और ग्राहक को दिखा दिया। देर करना घातक हो सकता है, वो कस्टमर वापसी भी जा सकता है, और कस्टमर ये भी समझ सकता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ही जानकारी नहीं है, तो आप उन्हें क्या बेचोगे। क्योंकि आज के समय टाइम की बहुत कमी लोगों के पास है, और आपको ढूंढना ना पड़े प्रोडक्ट, आपको अपनी दुकान में इस तरह से आपको सेटिंग अपनी दुकान में करनी है। नंबर 3, जब आप ग्राहक को प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो जो एक डिजाइन आप दिखा रहे हो, तो उसमें 2-3 कलर उसी एक डिजाइन में आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप कस्टमर को दिखा सके। और क्वालिटी प्रत्येक प्रोडक्ट को दिखाते समय बताएं। जब तक आप क्वालिटी नहीं बताएंगे, तो कस्टमर केवल डिजाइन को देखकर कंपेयर कर लेगा मार्केट से आपके प्रोडक्ट को, और जो डिजाइन आप दिखा रहे हो वो किस फैब्रिक के ऊपर है और किस फैब्रिक से वो कंपेयर करेगा, ये ग्राहक को नहीं पता होता, उसे केवल डिजाइन दिखता है। इसलिए क्वालिटी बताना अपने प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास तौर पे यदि आप कोई गारमेंट्स का प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो उसके फैब्रिक की क्वालिटी बताओ, उसके स्टिचिंग की क्वालिटी बताओ, उसमें लाइक्रा की बताओ कि लाइक्रा मिक्स है, इतना स्ट्रेचेबल है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपका 500 का है, उसी डिजाइन का प्रोडक्ट मार्केट में 200-250 में भी अवेलेबल होता है। तब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा आपसे, जब तक आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की तुलना प्रोडक्ट के निम्न क्वालिटी से करोगे। इसलिए प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर जरूर ध्यान दें ग्राहक को दिखाते समय। नंबर 4, बहुत सारे दुकानदार एक गलती करते हैं कि प्रोडक्ट खोलते जाते हैं और उसका रेट बताते जाते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। सबसे पहले प्रोडक्ट खोलने के साथ साथ में आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएं, उसकी खास बातें बताएं, उसके बाद आप रेट बताएं। बहुत सारे दुकानदारों को मैंने देखा कि रेट पहले बता देते हैं और क्वालिटी उसकी बताते नहीं। ग्राहक के मन में तुरंत आ जाता है कि यार ये वाला डिज़ाइन तो मैंने उस दुकान पे इतना सस्ता देखा था, और सर ने तो यहाँ पर डबल बता दिया, तो कस्टमर आगे के प्रोडक्ट देखने से पहले ही वहाँ से उल्टे पांव जाने लगता है। तो आप कस्टमर पर फोकस रखें, कस्टमर को संभाले रखें, रेट तब तक ना बताएं जब तक कस्टमर रेट जिस प्रोडक्ट का ना पूछे। जिस प्रोडक्ट का कस्टमर ने रेट पूछा, समझ लीजिए वो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा होगा, और उसी प्रोडक्ट के फिर आप 2-3 कलर दिखाएं, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो और उस प्रोडक्ट को लेकर चला जाए।
नंबर पांच की बात करते हैं। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को बता देते हैं कि 400 से 500 रुपए की रेंज में मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए। आपने प्रोडक्ट दिखा दिया और एक प्रोडक्ट खुलते ही रेट पूछ लिया और आपने रेट बता दिया। मगर जैसे ही कस्टमर रेट पूछता है तो आप उसे पहले गुणवत्ता के बारे में बताएं अपने प्रोडक्ट की, और जब प्रोडक्ट का रेट आप बताएं तो साथ के साथ में रेट बताते समय जितने भी कलर उसमें जो भी आपके पास है वे सारे प्रोडक्ट उसके सामने रख दे, जिससे कि कस्टमर आगे बढ़ने से पहले उनमें से ही सेलेक्ट कर ले और आपका भी समय बचे, कस्टमर का भी समय बचे और जल्दी से डीलिंग आप लोगों के बीच में हो। और कभी भी जिस प्रोडक्ट का रेट कस्टमर पूछ रहा है उसके बाद आपको बिल्कुल भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं दिखाना है। बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट समझ में आ गया मगर तुरंत नया प्रोडक्ट उसके सामने रख देते, इससे कस्टमर कन्फ्यूज हो जाता है और पहले वाला प्रोडक्ट जो पसंद आ रहा था वो भी लेकर नहीं जाता। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, आपका रेट आपकी दुकान के अंदर फिक्स रेट हो या मोल भाव वाला रेट आपने रख रखा हो, आप हमेशा कोशिश करें अपनी मार्केट को सर्च करके रखें कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो मार्केट में किस रेंज तक जा रहा है। खास तौर से अपने कंपटीटर के बारे में ज़रूर सोचें। ग्राहक आपकी दुकान पर आता है तो कोशिश करें कि 10 रुपये सस्ता आप अपने कंपटीटर से उसे दे दे। ये सोचकर तो बिल्कुल भी कस्टमर को ना काटे कि आपके सामने जो कस्टमर खड़ा है वो बहुत सीधा साधा व्यक्ति है। एक बार आप काट लोगे मगर दूसरी बार जब उस रेट का पता चलेगा कि उसने मुझे महंगा दिया तो वो कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए किसी भी ग्राहक को सीधा समझकर तो बिल्कुल ना काटे यदि वो आपसे मोल भाव नहीं कर रहा है, उसे आप और छूट दे जिससे कि वो दूसरे ग्राहक को भी बताए आपकी शॉप के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट और ले लेते हैं। जब किसी प्रोडक्ट को चूज कर लेता है ग्राहक और आप उस प्रोडक्ट को ग्राहक को बेच देते हो तो बेचते समय, पैक करते समय आप ग्राहक को उस प्रोडक्ट की श्योरिटी जरूर दे, गारंटी जरूर दे जो भी आपके उस प्रोडक्ट की बनती है। ऐसा करने से जो आपका ग्राहक है उसका आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा और वो ग्राहक दोबारा आपकी दुकान पर आने के लिए मजबूर होगा। उसे वे ही बात याद आएगी जो आप चलते समय ग्राहक को कहोगे, इसलिए अपनी छाप छोड़ने की जरूर कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप माल बेच देते हो और कस्टमर जाने लगे कोशिश करें कि 2 मिनट आप ग्राहक को अपने पास बैठाए जो आपने बैठने के लिए जगह बना रखी है। यदि ग्राहक बैठ जाता है तो 2 बात आप उससे मुस्कुराकर कीजिए, अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए और अपना अच्छापन उसको बताने की दिखाने की कोशिश कीजिए। ये 2 मिनट की मुलाकात उस कस्टमर को आपका परमानेंट ग्राहक बना देगी और वो कस्टमर जब भी ज़रूरत आपके प्रोडक्ट की पड़ेगी तो दूसरी के दुकान पर नहीं जाएगा, सीधा आपके वे बोल वे 2 मिनट की मुलाकात उस ग्राहक को याद आएगी और वो ग्राहक सीधे आप ही के पास आएगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इनको आप नोट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ। बहुत सारे ग्राहक माल लेकर चले जाते हैं और दुकानदार चुपचाप रहता है या दूसरे ग्राहक के चक्कर में पड़ जाता है और पहले ग्राहक को माल देने के बाद हाय हेलो बाय टाटा कुछ भी नहीं करता। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको हमेशा अभिवादन करना है जाते हुए भी और आते हुए भी। खास तौर पे जाते हुए आपको उस ग्राहक को कहना है कि भाई साहब आपको यदि ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो दोबारा हमें सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा, आपको हम पूरी श्योरिटी देते हैं कि पूरे मार्केट से सस्ता रेट अच्छी क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अच्छी सर्विस हम आपको देंगे। और यदि हमारे प्रोडक्ट में कुछ कमी हो या हमारे व्यवहार में या हमारे स्टाफ में कुछ कमी आपको नज़र आई हो तो आप हमें ये भी बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले हमारे ग्राहक के लिए होती है, इसलिए आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसा जब आप कहोगे तो कस्टमर के मन में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक गहरी छाप आपके प्रति छोड़ेगा और जब कभी भी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे की तरफ को नहीं भागेगा, आपके पास आएगा और आपसे ही सेवा का मौका
फिर और आपको ही फिर दोबारा सेवा का मौका मिलेगा। इस तरीके से आपके कस्टमर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। जब आप एक कस्टमर के साथ ऐसा करेंगे, दो के, तीन के, जितने भी कस्टमर आएंगे, प्रत्येक कस्टमर को आपको प्रियोरिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि मात्र ये काम एक कस्टमर के साथ करना है। सुबह 10 बजे आपकी शॉप खुलती है, शाम को 8 बजे तक शॉप खुलती है। तो जितने भी ग्राहक आते हैं, कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक ग्राहक से आप खुद बात करें, अपने स्टाफ के भरोसे बिल्कुल ना रहे। स्टाफ तो प्रोडक्ट दिखा देगा, मगर जो परचेज करने के बाद बात आप कहोगे, वो बात हमेशा उस ग्राहक के मन को छूती है और ग्राहक हमेशा रिपीट ऐसे ही होता है। वरना दुनिया में ऐसा कोई भी टिप्स नहीं है या ऐसा कोई नुस्खा नहीं है जो ग्राहक को दोबारा आपके पास लेकर के आ जाए। दोस्तों, आखिरी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टिप्स को जरूर आप याद रखिएगा। मैं तो कहता हूँ कि ये जितने भी टिप्स अभी तक 9 टिप्स दिए हैं और 10वां टिप्स अब देने जा रहा हूँ, इन 10 के 10 टिप्स को आप लिख करके अपने टेबल पर, अपने कुर्सी के सामने रख लीजिए और इनको याद रखिएगा। ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत सहायता करेंगे। आखिरी टिप्स जरूर सुनिए। दोस्तों, जब आपका माल बिक जाए, कस्टमर चला जाए, तो उस प्रोडक्ट को लिखना ना चूके जो प्रोडक्ट आपका बिका है। कितने का आप लाए थे, उसको आपने कितने का दिया और आपको कितना पैसा उसमें बचा, ये डेट वाइज डेली आपको रूटीन बनाना है, एक डायरी मेंटेन करनी है। डेट के साथ में आपको ये सब लिखना है, इसकी एक आदत डालनी है। ये 9 पॉइंट्स इस अकेले 1 पॉइंट्स के बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट्स इतना ज़बरदस्त है कि इससे एक तो आपको अपने दुकान के प्रोडक्ट की कमी का पता चलता रहेगा कि कौन सा माल ख़त्म हुआ है, कौन सा माल बिक रहा है और कौन से माल की रिक्वायरमेंट है, ट्रेंडिंग में कस्टमर क्या मांग रहा है। जो माल बिकता है उसी माल को आप लाए, ज़्यादा इधर उधर के माल को ना लाए। कस्टमर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट करता है उसको भी आप नोट करें। जो कस्टमर ने मांगा आपकी शॉप पर नहीं है तो उसको तुरंत लिख ले, और वो माल आपका नेक्स्ट टाइम कस्टमर के आने से पहले आपकी दुकान पर होना चाहिए। इस वजह से हम कहते हैं कि नया बिजनेस आप 50,000 में तो शुरू कर सकते हो, मगर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की होती है उसकी पूर्ति कहाँ से करोगे। इसलिए बैकअप में भी जितना बिजनेस आप कर रहे हो उसके बाद 50,000 1,00,000 रुपये बैकअप के लिए चाहिए। इसी वजह से हम बैकअप रखने की बात करते हैं। नहीं तो दोस्तों, बिजनेस तो लोग 10-10 हज़ार में भी कर रहे हैं, कोई फेरी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर एक स्टैंडर्ड बिजनेस यदि आपको करना है तो आपको बैकअप जरूर रखना चाहिए। ये 10 पॉइंट मैंने आपकी दुकान को चलाने के लिए आसान से बहुत तरीके बताए हैं और आपको ग्राहक को बढ़ाने का तरीका बताया है। यदि आपने ये पॉइंट से मात्र 1 महीने भी पूरे कर लिए तो आप देखना कि आपकी दुकान पर ग्राहक किस तरीके से आपके पड़ोसियों को छोड़ करके, आपके कंपटीटर को छोड़ करके आपके पास आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे जो रिव्यूज वीडियो होती है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, देखा कीजिएगा, क्योंकि उनकी वीडियो के अंदर भी हम मैन्युफैक्चर या होलसेलर से कुछ सवाल पूछते हैं जो आप ही के कमेंट्स होते हैं और आप ही के सवालों को उनके मुख से, उनके उत्तर द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर रोजाना शाम के 5 बजे वीडियो पब्लिक हो जाती है, गारमेंट्स से संबंधित या बिजनेस संबंधित वीडियोज हम आपके लिए लेकर के रोजाना आते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार, राम राम।